नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। आप देख रहे हो क्वेश्चन हमारे भारत। लव जिहाद की कड़ी में एक और नया मुद्दा सामने आया है, एक और नया केस सामने आया है। ये बहुत रिसेंट की बात है। पंचजन्य की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक मामला हुआ है। लड़की ने एक FIR करवाई है कि उसको शादाब ने कबीर बन के ठगा है, धर्मांतरण का दबाव बनाया है, 55 लाख रुपए तक ऐंठ लिए हैं और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दे रहा है। ये क्या है पूरा मामला, इस पूरी वीडियो में देखिएगा। मैं चाहता हूँ उसकी अवेयरनेस फैलानी हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत जाइए। और किसी भी तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन करना हो तो नीचे UPIs दिए हुए हैं, वहां देख सकते हैं। तो मामला इंदौर का है। शादाब नाम का व्यक्ति एक बीच में जो कॉमन फ्रेंड होता ना, एक महिला मित्र के थ्रू उस लड़की से मिलता है। वो लड़की इंट्रोड्यूस कराती है, वो लड़की मुस्लिम थी हिंदू थी मुझे नहीं पता, इंट्रोड्यूस कराती है, वो उससे प्यार में फंसा लेता है। उनके बीच में यौन संबंध स्थापित होते हैं, शादी होती है। हिंदू रीति रिवाज से वो सिंदूर लगा के मांग भर के, रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है। और फिर जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो दो दो बार वो गर्भपात करवा देता है। उसके बाद वो अपने आप को कैंसर पीड़ित बता के 55 लाख रुपए तक ऐंठ लेता है इलाज करवाने के। और फिर वो मज़ार पर ले जाके कन्वर्ट करने की, कलमा पढ़ाने की भी बात करता रहता है, उसे दबाव बनाता रहता है। इन सब दबावों से परेशान होके वो लड़के को जब छोड़ने की बात करती है तो बार बार यही धमकी देता है कि वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर इन सबसे परेशान होकर वो FIR दर्ज करवा देती है। और अब पुलिस इस व्यक्ति के पीछे पड़ी हुई है, तलाश में जुट गई है। और कन्वर्जन के प्रोसेस में ही ये एक्सप्लोर करती लड़की कि ये शादाब है, कबीर नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहां से लव जिहाद हो, एक तो नॉर्मल फ्रॉड का केस हो गया। लेकिन कुछ चीजें आपको सोचने की जरूरत है कि इसकी इंस्पिरेशन कहां से मिलती है और स्टेप बाय स्टेप वही चीज क्यों फॉलो की गई। अगर इसमें स्टेप्स वही हैं जो किताब में लिखे हैं तो कहां से ये नॉर्मल क्राइम है, आप मुझे बताइए कमेंट करके। पहली चीज, कुरान ने साफ मना किया हुआ है कि जो व्यक्ति व्यक्ति और सेपरेटली लड़कियों के लिए अलग से कहा है, लड़कों के लिए अलग से कहा है, समझ रहे हैं स्पेसिफिकली कितना आ गया है कुरान कि जो पहले लड़की अगर वो ईमान नहीं लाती है अल्लाह में और मोहम्मद को नहीं मानती है तो आप उससे शादी नहीं करेंगे, चाहे वो मतलब कितनी मतलब बहुत अच्छी हो, इससे अच्छा आप किसी स्लेव से कर लो, उस स्लेव से कर लो जो कुरान में मानती है, इस्लाम में मानती है, मोहम्मद में मानती है, उससे कर लो, लेकिन किसी नॉन मुस्लिम से नहीं करोगे अनटिल एंड अनलेस वो ना मान ले। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें वो स्टेप्स आ जाते हैं ना कि अगर माने तभी करो, यानी मनवाना है आपको, मनवाने का स्टेप आ गया, और नहीं मानेगी नहीं करेगी तो आप पहले आइडेंटिटी चेंज करेंगे ताकि आप उस रिलेशन में आ जाए, ताकि दबाव बना पाए कन्वर्ट करने के लिए, ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करना कंपलसरी है, ये प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है, कन्वर्ट करने की बात हो रही है ताकि आप समाज में एक्सेप्ट करवा पाएं कि देखिए हम ले आए कन्वर्ट करके। जब तक वो हिंदू थी तब तक आप गलत नाम से थे, हिंदू नाम से थे। जब आपको लगा कि उसको मुसलमान बनाना है तो आपने नाम भी आपका सामने आया, आप कन्वर्ट भी करने लगे, ब्लैकमेल भी करने लगे। आपको कुरान की वो लाइनें, वो पंक्तियाँ आपको यहाँ दिख रही होंगी, आप पढ़ सकते हैं। जिसको मेरी हिंदी समझ में नहीं आ रही, जिसको मेरी दिखाई अरबी में दिक्कत है, तो दोनों अरबी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन दोनों यहाँ पे हैं, जूम करके पढ़ लीजिए। ये किताब मुझे एक मुस्लिम फ्रेंड ने ही दी है, जब उसके यहाँ मस्जिद में सफाई चल रही थी उसने किताब ली और मेरी क्यूरियोसिटी पे मैंने उसे मांगा था कि दिखाओ क्या सच में ऐसी कुछ चीज़ें लिखी हैं, उसने मुझे ला के दे दी। अब वो इसलिए दे गया कि हो सकता है मैं इसे पढ़ूंगा, इनलाइटन हो जाऊँगा और शायद यू नो फॉलोअर बन जाऊँ, लेकिन मेरा पर्पस कुछ और था, एक्सप्लोर करना था, इन्वेस्टिगेट करना था, तो मैंने उस नज़रिए से पढ़ी और अब आपके सामने किताब के कुछ पन्नों से फैक्ट्स रख रहा हूँ। अब आपके ऊपर है कितना सच मानते हैं कितना झूठ मानते हैं, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और एट द कोर एग्जिस्ट करते हैं, वहीं से इंस्पिरेशन आती है। मैं चाहता हूँ इन सब चीज़ों को आप शेयर करिए, समाज में जागरूकता फैलाइए कि ये है सबूत, ये है घटनाएं, मिला के देख लो कितना कोरिलेशन है, और इन सब चीज़ों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की जरूरत है। और अपनी बच्चियों को जो कहीं पढ़ने गई है दूसरे शहर में, आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी कोई बहन है, कोई भी महिला मित्र, कोई भी महिला साथी है, उनको आप अवेयर करिए कि आप किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशन में भी आए ना, तो आप इतना एक्सप्लोर पहले कर लीजिए कि अगला कदम लेना भी है या नहीं, ये इस व्यक्ति की आइडेंटिटी ही सही है या नहीं, जब कोई भी आपको करना पड़ेगा। आजकल का जमाना बहुत बदल चुका है, हर चीज आपको सोशल मीडिया पर मिलती है, हर चीज आप अगर आप पूछेंगे तो बताएगा, और अगर आपको लगता है कि वो हिंदू है या नहीं तो आप कई चीजों पर टेस्ट कर सकते हैं। आपका ये मुझे नॉनवेज में पॉर्क खाना है, आपका ये कि आप तुम मेरे साथ मंदिर में चलो, आपका ये मुझे हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ,
आप उसको उस लेवल तक पुश करें जिस लेवल तक वो कर पाए, या फिर अपने आप ही एक बार उगल दे कि नहीं मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मैं ये नहीं कहता कि सब वैसे ही इंटेंशन के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं, हर मुस्लिम व्यक्ति आपके साथ इसीलिए जुड़ रहा है क्योंकि आपका मिस यूज करना है, आपको ब्लैकमेल करना है, आपको प्रताड़ित करना है या कन्वर्ट करना है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन जो ऐसा करने वाला होगा वो आपके इन स्टेप्स की वजह से, जो जांच की प्रक्रिया है उससे पहले ही आपसे अलग हो जाएगा कि भाई इतना नहीं हो पाएगा मुझसे। इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लव जिहाद के मुद्दों को दूर तक फैलाइए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करिए, और अगली घटना ऐसी ना हो सके इसके लोगों को जागरूक करिए। फिर मिलते हैं अगली में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।